आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद कलू प्री न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। जाम के कारण चली जाती है मरीजों की जान, कब मिलेगी जाम से निजात, कब तक जाती रहेगी मरीजों की जान। धनबाद, अगर आप धनबाद के निवासी हैं तो जाम की समस्या से अवगत तो जरूर होंगे। आए दिन धनबाद के गया पुल से लेकर बैंक मोड़ तक जाम की समस्या देखने को मिलता है। इस जाम के कारण पास के क्लिनिक लैब में जांच के लिए जा रहे कई मरीजों का जान भी चली जाती है। इस कड़ी में आज संध्या वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी रजलू के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया एवं झारखंड सरकार से मांग किया गया कि इस जाम से मुक्ति मिले। वहीं वार्ड नंबर 14 की पार्षद प्रत्याशी जूली बाजी भी और समाज सेवी हाजी जमीर साहब और टीएमसी नेता मुख्तार खान भी शामिल हुए थे। क्या कुछ किया जाता है? हम लोगों ने जो आज कैंडल मार्च का जो कार्यक्रम रखा था, इसलिए कि गया पुल जो है आज से नहीं हमेशा ये जाम रहता है, इसीलिए हम लोग डीसी महोदय, धनबाद सांसद महोदय और विधायक जी से अनुरोध है कि ये इसको अंडरपास, एक और अंडरपास का इसको बनाया जाए जिससे धनबाद को जाम से मुक्ति मिला जाए। ये आज आप लोग खुद देखते हैं कि यहाँ हमेशा पूरा बैंक मोड़ तक पूरा जाम लगा रहता है। हम लोग यहाँ भी आज जो कार्यक्रम हुआ है, रमजान मंजिल, नया बाजार, केवाई पट्टी, वासेपुर के जितने भी नौजवान लोग हम लोग आए, अब हम लोग के स्टेशन बगल में रह के इस रोड के कारण जो है बराबर हमेशा किसी का ट्रेन छूट जाता है और किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना होता है, जिसके कारण हमेशा जाम में जो परेशानी होती है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग सरकार से हम लोग आज कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं कि सरकार तक हम लोग का बात पहुँचे और इस जाम से धनबाद को मुक्ति मिला। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग का यही है कि यहाँ एक और अंडर पास बनाया जाए जिससे धनबाद को जाम से मुक्ति मिले। जाम लगने का मुख्य कारण क्या लग रहा है? जाम लगने का मुख्य कारण यही, एक ही रास्ता है, ये भी जो हमेशा गड्ढा गुड्ढा बना रहता है, बरसात के कारण पूरा रोड खराब है, अब यहाँ गाड़ी आके स्लो हो जाती है, आगे निकलती ही नहीं है, जिसे यहाँ से लेके पूरा बैंक मौसम गोदर तक पूरा जाम हो जाता है। इसी ही हम लोग का मांग है कि एक और अंडर पास जो है बनाया जाए। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सोहेल आलम उर्फ रजलू हुआ। क्या मांग आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि ये जो आए दिन जाम से आदमी जो हर इस समस्या से जो झेल रहे हैं, धन कहने को तो धनबाद, धन से बात, पर धनबाद है सबसे बर्बाद। इसको हम लोग चाहते हैं कि अंडरपास होना चाहिए, यहाँ एक या तो ओवर ब्रिज बनाए या तो अंडरपास बनाए, क्योंकि जान से निजात नहीं मिलेगा। आए दिन यहाँ टेस्ट क्लिनिक है, मरीज आना है, मरीज जान से ही तो आधा मरीज ऐसे ही मर जाता है। हम लोग का डीसी से यही मांग है कि डीसी हम लोगों की मांग पूरी करें, या तो अंडरपास बनवाए या तो ओवर फ्लाई। शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था जाम से निजात के लिए। सबसे पहले हमारे उपायुक्त महोदय से हमारी बात हुई थी, जिस दिन ज्वाइन किए थे उसी दिन उनसे बात हुई कि इस समस्या का समाधान किया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ अधिकारियों से भी बात की, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बड़े अफसोस की बात है। और इस जाम के वजह से कितने लोग डेली एम्बुलेंस में मारे जाते हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेता लोग का काम है, नेता लोग आए गए और हम बचपन से लेकर आज तक देखते आए कि अब निजात मिलेगा, अब निजात मिलेगा। अब हमारे डीसी साहब जो आए हैं उनसे बहुत उम्मीद है कि इस जाम से निजात मिले। धन्यवाद। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आंदोलन जारी रहेगा। एम्बुलेंस डेली जाता है इधर से, डेली जाने वाले, डेली दो चार पेशेंट मारे जा रहे हैं। बड़े शर्मनाक बात है। धनबाद की ऐसी स्थिति, धनबाद में इतना लोग मशहूर होकर के भी यहाँ भी देख लीजिए यहाँ की स्थिति।